Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home and enjoying and learning the video. I am Reema Chauhan from Best English School, and today we are going with math subject in 5th standard. जो students हमारे regularly videos देख रहे हैं and homework कर रहे हैं उन्हें पता ही होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना? So मैं पहले ये बता देती हूँ कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, है ना? प्रीवियस वीडियो में हमने माय फुटप्रिंट टॉपिक पे ये जो एनिमल्स हैं उनके फुटप्रिंट मेज़र किए थे और ये जो फुटप्रिंट है उसको भी मेजर किया था, है ना? आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है हाउ मैनी स्क्वायर्स इन मी. ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ मैनी स्क्वायर्स इन मी. सो इट मीन्स कि मुझ में कितने स्क्वायर है वो हमें मेजर नहीं करना है. ओके, यहाँ पे जो ड्राइंग में हमें जो फिगर दी गई है उसको हमें मेजर करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे फर्स्ट फिगर देखते हैं हम. ये जो गर्ल खड़ी है उसके पास में फिगर है वो वाला. वो क्या कह रही है? What is the area of this rectangle? ये जो rectangle है, sorry, what is the area of this triangle? ये जो rectangle है उसके अंदर जो triangle है उसका हमें क्या करना है? Area बताना है. ठीक है? So students, क्या आपको पता है triangle का formula क्या होगा area find करने का? ओके, डोंट वरी, नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा, है ना? तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड करेंगे. ओके, तो इसकी लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स? 2 सेंटीमीटर एंड इसकी ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर, है ना? 1 स्क्वायर जो है लेंथ में 2 स्क्वायर यूज हो रहे हैं, इट मीन्स कि इसकी लेंथ कितनी है? 2 स्क्वायर सेंटीमीटर और ब्रिथ में 1 स्क्वायर यूज हो रहा है तो उसकी 1 सेंटीमीटर. ओके, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? उसका फॉर्मूला आपको पता है एरिया का? यस, लेंथ इनटू ब्रिथ, है ना? रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? लेंथ और ब्रिथ का मल्टीप्लाई करके. ठीक है, तो लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर एंड ब्रिथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर. तो क्या आएगा आंसर? यस, रेक्टेंगल का एरिया आएगा 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना? ये हमने फाइंड किया रेक्टेंगल का एरिया. अब हम क्या करेंगे? सी स्टूडेंट्स, ये जो रेक्टेंगल है उसके अंदर ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है ना, हाफ ट्रायंगल. तो अगर हम रेक्टेंगल के एरिया को हाफ कर दें तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा स्टूडेंट्स. क्लियर हुआ मैं क्या कह रही हूँ? कि हमने क्या किया, हमने ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया है ना, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर आया ना. तो हम अगर इस ट्रायंगल का एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो उसको हम हाफ कर लेंगे, है ना? क्योंकि वो रेक्टेंगल का हाफ एरिया यूज कर रहा है तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल को 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना? ये जो हमको रेक्टेंगल का एरिया मिला हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे. इट मीन्स कि रेक्टेंगल के एरिया को हम हाफ कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये किसका आया? ये ट्रायंगल का एरिया मिला है ना हमें. क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हमने पहले तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लिया एंड देन हमने उसको हाफ कर दिया तो हमें क्या मिल गया? ट्रायंगल का एरिया मिल गया. कितना? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्लियर हुआ? एक टाइम मैं और रिपीट कर देती हूँ. सबसे पहले तो हमने क्या किया, ये पूरे रेक्टेंगल का हमने एरिया फाइंड किया देन हमने उसको हाफ कर दिया बिकॉज ये ट्रायंगल हाफ एरिया कवर कर रहा है इसलिए, है ना? तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा स्टूडेंट्स? 1 सेंटीमीटर, है ना? यहाँ पे हम लिखेंगे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. सी, यहाँ पे भी आपको बताया है द ट्रायंगल इज हाफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना? ये जो ट्रायंगल है उसका हाफ एरिया कौन रोक रहा है? रेक्टेंगल.
है ना? क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपको इतना? ओके, नेक्स्ट फिगर हम देखते हैं। इज दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल? क्या ये जो शेप है, क्या ये रेक्टेंगल का हाफ शेप है ये वाला? तो वो हमें फाइंड करना है, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कितना इसका लेंथ है और कितना इसकी ब्रीथ है। ओके स्टूडेंट्स, तो सी, ये जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, है ना? बिकॉज यहाँ पे 1, 2, 3 and 4 स्क्वायर कवर हो रहे हैं, है ना? और इसकी ब्रिथ है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना कवर हो रहा है? 2 सेंटीमीटर, है ना? तो इसकी ब्रिथ हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है? तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ एंड ब्रिथ का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो लेंथ है 4 सेंटीमीटर एंड ब्रिथ है 2 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का कितना एरिया होगा? 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये हमने क्या फाइंड किया, रेक्टेंगल का एरिया हमने फाइंड किया, है ना? अब हमें क्या पूछा गया है कि ये जो शेप है क्या वो हाफ रेक्टेंगल यूज कर रहा है? तो सी, अब हम देखते हैं, देखो यहाँ से ये शेप यूं जा रहा है और यहाँ से ये शेप यूं जा रहा है ना? तो यहाँ पे इतना एरिया कवर हो रहा है ये वाला, और यहाँ पे इतना खाली रह रहा है ना? फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, देखो ये यहाँ से शेप यूं जा रहा है और ये यूं जा रहा है ना? तो 1, 2, 3 and 4 ऑलमोस्ट ये भी फुल है कवर्ड और ये भी फुल कवर्ड है ना? तो यहाँ से जो एरिया खाली पड़ रहा है वो हम यहाँ फिट कर देते हैं, है ना? और जो यहाँ पे एरिया कवर हो रहा है इसको हम यहाँ पे फिट कर देते हैं, तो ये फुल हो जाएगा। समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स आप? फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, ये जो शेप है वो यूँ जा रहा है और यहाँ पे जो एरिया कवर कर रहा है स्क्वायर में वो हम यहाँ पे फिट करेंगे जहाँ पे खाली है वहाँ, है ना? और यहाँ पे जो एरिया कवर हो रहा है उसको हम यहाँ खाली एरिया में फिट कर देते हैं, है ना? तो क्या होगा, यस 4 कंप्लीट स्क्वायर बन जाएंगे, है ना स्टूडेंट्स? 1, 2, 3, 4 कंप्लीट बन जाएंगे, है ना? तो हम क्या करेंगे, जो हमने रेक्टेंगल का एरिया हमने फाइंड किया था उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना? तो हमें इसका हाफ एरिया का मिल जाएगा, ठीक है? तो हमने फाइंड किया था लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ थी 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ थी 2 सेंटीमीटर, तो हमें मिला था 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना? अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना स्टूडेंट्स? ये हमें मिल गया, ये जो हाफ एरिया कवर कर रहा है उसका एरिया, है ना स्टूडेंट्स? मैंने आपको समझाया ना कि यहाँ पे जो एरिया यूज हो रहा है इसको हम यहाँ खाली एरिया में यूज कर देंगे, यहाँ पे जो यूज हो रहा है इसको हम यहाँ खाली एरिया में यूज कर देंगे, है ना? तो टोटल 4 बन जाएंगे ये, 1, 2, 3 and 4, है ना? तो ये हाफ हो गया, है ना स्टूडेंट्स? ओके, ये हमने ये जो फिगर्स थी उसका मेजरमेंट किया, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं, राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ दिस शेप्स बिलो। ये जो हमें यहाँ पे शेप्स दिए गए हैं उसके हमें एरिया काउंट करने हैं, ओके? तो हमारा ए जो शेप है ट्रायंगल है, है ना? तो उसमें हम कैसे मेजर करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने प्रीवियस वीडियो में एरिया फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स देखे थे, है ना स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको वो याद होगा। सबसे पहले तो हम जो कंप्लीट स्क्वायर है वो काउंट करेंगे, नेक्स्ट हम हाफ स्क्वायर काउंट करेंगे, एंड देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लेस देन हाफ काउंट करेंगे एंड मोर देन काउंट करेंगे, है ना? ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था, है ना स्टूडेंट्स?
ये जो ट्रायंगल है उसका एरिया हमें फाउंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको फुल रेक्टेंगल बना देंगे ऐसे, ओके। तो अब इसमें क्या हो रहा है, देखो ये जो रेक्टेंगल जो हमने बनाया उसका हाफ एरिया है वो ट्रायंगल कवर कर रहा है ना स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने अभी आपको ऊपर सिखाया कि पहले तो हमने रेक्टेंगल का एरिया फाउंड किया, देन हमने उसको हाफ कर दिया, है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले तो हम रेक्टेंगल का एरिया फाउंड करेंगे, ठीक है। तो इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, है ना स्टूडेंट्स। ये जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर और इसकी ब्रिथ है 3 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाउंड होता है, लेंथ इंटू ब्रिथ। वेरी गुड, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है ना। इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर और इसकी ब्रिथ है 3 सेंटीमीटर। तो क्या आंसर आएगा, वेरी गुड, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये किसकी आई, किसका एरिया फाइंड किया हमने, यस रेक्टेंगल का। बट हमें क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड करना है ना। हमने तो रेक्टेंगल ड्रॉ करके बनाया है बट हमें यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया पूछा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 2 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज ये जो रेक्टेंगल है उसका आधा एरिया ट्रायंगल कवर कर रहा है इसलिए, ठीक है। तो जो हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया उसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो ट्रायंगल का क्या आएगा आंसर, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना स्टूडेंट्स। इसका आंसर क्या आएगा, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। आपको समझ में आ गया, जो ट्रायंगल था उसका हमने फाइंड किया तो आया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया और उसको हमने 2 से डिवाइड करके ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया, तो उसका आंसर आया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। तो हम इसका आंसर करेंगे, एक आंसर आएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट शेप। नेक्स्ट शेप स्टूडेंट हमें दिया गया है स्क्वायर, बट कैसा स्क्वायर है, देखो स्क्वायर की ग्रिड से थोड़ा इधर उधर है ना, परफेक्ट स्क्वायर ग्रिड में वो सेट नहीं है, है ना स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो कवर कर लेंगे, ओके। सी यहाँ पे ये ऐसे बना हुआ है और इसके आसपास कुछ खाली जगह बच रही है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, यस कंप्लीट स्क्वायर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो आपको इसमें जो कंप्लीट स्क्वायर है वो फाइंड कर लेने हैं, ओके स्टूडेंट्स। सी यहाँ पे 4 कंप्लीट स्क्वायर्स आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो 4 है कंप्लीट स्क्वायर, है ना। देन हम काउंट करें, अब हम काउंट करेंगे हाफ स्क्वायर्स, है ना। तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 कैसे है, हाफ स्क्वायर, है ना, ठीक है, 8 हाफ स्क्वायर है। अब लेस देन हाफ मतलब कि हाफ से भी कम, तो वो कितने हैं अब हम देखेंगे, ठीक है। तो ये रहे, ये 1, ये 2, ये 3 एंड 4, ये है लेस देन हाफ। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 है ना, तो हम इनको 4 से 1/4 पार्ट का है, ठीक है। ये अगर हम इन चारों को मैं मिला दूँ तो कितना हो जाएगा, 1 पूरा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जैसे कि ऐसे मैं करूँ, एक स्क्वायर में मैं 4 से ऐसे डिवाइड कर दूँ तो पूरा हाफ बन जाएगा, है ना। तो मैं एक यहाँ पे लिख दूंगी, एक कंप्लीट स्क्वायर, है ना। ये जो ग्रीन कलर के मैंने टिक किए हैं वो 1/4 पार्ट है ना, तो मैं उसको सबको मिल
मिला के एक पूरा स्क्वायर गिन रही हूँ, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, 4 + 8 + 1। तो अभी हम इसका टोटल कैसे करें, क्योंकि तो यहाँ पे तो जो 8 है वो हाफ है एंड 4 and 1 कंप्लीट है। तो हम क्या करेंगे, जो 8 हाफ है उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वो कितने हो जाएंगे, कम्प्लीटली 4 हो जाएंगे, ठीक है। ये जो 8 है मैंने उसको 2 से डिवाइड कर दिया है ना, तो वो 4 कंप्लीट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ, ये जो 1 and 2, तो ये 1 हो गया, ठीक है। ये 1 and 2 दोनों मिला के 2 हो गया, ये 1 and 2 दोनों मिला के 3 हो गया, और ये 1 and 2 दोनों मिला के 4 हो गया, है ना। तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, है ना। तो ये 4 कंप्लीट बॉक्सेस हो गए, स्क्वायर्स हो गए। तो टोटल कितने हुए, ये जो 4 रेड वाले हैं वो कंप्लीट स्क्वायर्स, फिर ये ब्लू वाले 4 कंप्लीट स्क्वायर्स, और ये जो ग्रीन वाले मैंने आपको लास्ट में बताया चारों को मिला के वो 1 कंप्लीट स्क्वायर्स। इट मीन्स टोटल कितने हुए, यस 9 कंप्लीट स्क्वायर हो गए, है ना। तो इसका एरिया कितना होगा, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, जितने स्क्वायर्स होते हैं उतना ही उसका एरिया होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बी का आंसर क्या आएगा, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। ए का आंसर क्या आया था, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं सी की फिगर। ओके, जो सी वाला शेप है उसका हम मेजरमेंट करेंगे। ओके सी, इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ही हम जाएंगे कि सबसे पहले हम फुल स्क्वायर मतलब कि कंप्लीट स्क्वायर काउंट करेंगे। तो ये हो गया 1 कंप्लीट स्क्वायर, ये हो गया 2 कंप्लीट स्क्वायर, है ना। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ट्रायंगल यूज हो रहा है सेम यहाँ पे खाली हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर दें, है ना। तो 3 कंप्लीट स्क्वायर हो जाएंगे, समझ पा रहे हो। ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है वैसा सेम ट्रायंगल यहाँ पे खाली पड़ा है, तो मैंने इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, इसलिए यहाँ पे 3 बॉक्सेस बन गए फुल कंप्लीट, है ना। और ये जो नीचे वाला जो ट्रायंगल खाली बच रहा है वो यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएंगे 4, है ना। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, ये 1 and 2 कंप्लीट स्क्वायर, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है उसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र किया तो ये 3 कंप्लीट बन जाएंगे, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो ये 4 कंप्लीट बन जाएंगे। तो जो सी वाला शेप है उसका कितना एरिया है, 4 सी वाले शेप का है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया, ठीक है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सी का आंसर क्या आएगा, कितना एरिया है उसका, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं डी वाली फिगर। ओके, यहाँ पे भी आपको एक रेक्टेंगल दिया है, सॉरी ये जो रेक्टेंगल दिया है उसको हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है ना। तो हम यहाँ भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने सी वाली फिगर में किया था स्टूडेंट्स, ठीक है। सी, ये जो रेक्टेंगल यहाँ पे यूज हो रहा है वैसा सेम रेक्टेंगल यहाँ पे खाली पड़ा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो ये फुल बन जाएगा स्क्वायर, है ना। तो कितने स्क्वायर्स कवर हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, है ना। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया तो ये फुल स्क्वायर बन गया, है ना। तो डी फिगर का आंसर आएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं
ई वाली फिगर में, ये थोड़ी बड़ी है स्टूडेंट्स, इसमें अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके पहले हम कंप्लीट स्क्वायर काउंट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको स्क्वायर ग्रिड बना लेते हैं, तो हमें स्क्वायर्स को काउंटिंग करने में इजी हो जाएगा, है ना। ये मैंने बना ली परफेक्ट स्क्वायर ग्रिड, ओके। अब हम क्या करेंगे, यस, सबसे पहले हम कंप्लीट स्क्वायर्स फाइंड करेंगे, ठीक है, काउंट करेंगे। तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18। स्टूडेंट्स कितने कंप्लीट स्क्वायर हुए, ये 18 कंप्लीट स्क्वायर हुए, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, यस, वेरी गुड। अब हम करेंगे जो बाकी बचे आधे अधूरे स्क्वायर्स को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे जो बॉक्स यूज हुआ है, सॉरी, यहाँ पे जो ट्रायंगल यूज हुआ है वैसा सेम यहाँ पे खाली पड़ा है ना। तो हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पूरा बन जाएगा, है ना। फिर ये जो खाली पड़ा है उसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे इस तरफ, ट्रायंगल वाला, है ना। यहाँ पे जो हाफ पड़ा है उसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो ऐसे हाफ हाफ मिला के ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाफ है ना स्टूडेंट्स। तो हम इसको 3 गिन लेते हैं, ठीक है। 6 हाफ को अगर हम पूरा गिनते हैं तो वो 3 स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। टोटल हमने फाइंड किया 18 प्लस 6 हाफ को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितने बने, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टोटल इस फिगर का एरिया बनेगा 21 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना स्टूडेंट्स। ई जो शेप है उसका एरिया है 21 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके स्टूडेंट्स। नाउ एफ वाली जो फिगर है उसको हम देखते हैं, ओके। तो इसमें सबसे पहले तो हम कंप्लीट स्क्वायर काउंट करेंगे, 1, 2, 3 and 4, है ना। तो हो गए 4 स्क्वायर सेंटीमीटर कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सी ये जो एरिया यूज हो रहा है उतना एरिया यहाँ पे खाली पड़ रहा है ना। तो हम इसको और इसको मिला के एक गिन लेते हैं, वैसे यहाँ पे इसको और इसको मिला के एक गिन लेते हैं स्क्वायर, इन दोनों को मिला के एक स्क्वायर गिन लेते हैं और इन दोनों को मिला के एक स्क्वायर गिन लेते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट 4 स्क्वायर हुए एंड हाफ वाले 4 स्क्वायर हुए, है ना। तो इसका एरिया कितना आएगा, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही ठीक आपको ये शेप्स अपनी नोटबुक में ड्रॉ करके और मेथड के साथ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है आंसर्स, ओके स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको समझाया वैसे आप स्क्वायर काउंट करोगे, रेक्टेंगल की जहाँ पे ज़रूरत हो उसका फॉर्मूला लिख के आप इसका एरिया फाइंड करोगे, ट्रायंगल का एरिया फाउंड करोगे, ठीक है, और अपनी नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में इसको लिखोगे, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इस टॉपिक के साथ, ट्राई ट्रायंगल्स, ओके। ये हमारा रहेगा नेक्स्ट टॉपिक। जब तक आपको ये अपना होमवर्क कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में, स्टूडेंट्स प्लीज स्क्वायर ग्रिड बना के बहुत ही अच्छे से ड्राइंग बनाइएगा, ओके। जब तक स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।